अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि रूस और इंडिया के दरमियान सफारती सतह पर तलकात में कशीदगी क्यों आई है। खातीन व हजरात, रूस और इंडिया को माजी में सफारती तलकात के हवाले से इंतहाई मजबूत कोऑर्डिनेशन में देखा गया है। रूस ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में भारत की भरपूर मदद की है। खातीन हजरात, माजी में रूस और भारत का इताद बेसिकली पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ एक मौसर इताद समझा जाता था, लेकिन इन दिनों देखने में आया है कि जो जो इंडिया की कुर्बतें अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं, इस तनाजुर में देखा गया है कि भारत और रूस के दरमियान सफारती सतह के तलकात के हवाले से दूरियां पैदा हो रही हैं। लेकिन अब ये देखने में आया है कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो जो तलखियां बढ़ रही हैं, उनके अलाइज में भी तब्दीलियां आ रही हैं। यानी कि रूस इस वक्त सफारती सतह पे पाकिस्तान के साथ अपने तलकात को तकवीत दे रहा है, जबकि उधर भारत अमेरिका के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है। चूंकि माहरीन इस बारे में कह रहे हैं कि रूस और भारत के दरमियान सफारती सतह पे कशीदगी उस वक्त बढ़ी है जब अमेरिका ने क्वाड ग्रुप में भारत को हिस्सेदार बनाया है। जैसा कि माहरीन बताते हैं कि क्वाड ग्रुप ये है कि जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत एक ऐसा सिक्योरिटी माहदा तश्कील देना चाहते हैं जिसके तहत वो चीन के असर और रसूख को बहरा हिंद में कम से कम करने के लिए एक मौसर सिक्योरिटी ग्रुप तश्कील दे सकें। रूस का ये कहना है कि ऐसे मायदे की वजह से अब अमेरिका और भारत एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जिसके बाद उन्हें ये लगता है कि अब रूस के खिलाफ एक नया इतिहाद कायम हो रहा है। बहरहाल इंडिया बार बार कह रहा है कि ये इतिहाद चीन के खिलाफ बनाया गया है, लेकिन अमेरिका की शमूलियत इस इतिहाद को रूस की नजरों में मशकूक बना रही है। इस हवाले से माहरीन का ये कहना है कि बेसिकली भारत और अमेरिका के दरमियान मायदे की वजह से अब रूस ये समझता है कि बहरा हिंद में अमेरिका का असर और रसूख बढ़ेगा, जबकि दूसरा रूस का सबसे बड़ा तहफ्फुज़ ये है कि अमेरिका भारत को खित्ते में इस्तेमाल करते हुए रूसी असर और रसूख को कम करने की कोशिश करेगा। माहरीन का कहना है कि गुज़श्ता दिनों में चीन के साथ कशीदगी के दौरान रूस ने चीन और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया था, और ये किरदार भी इंडिया की दरख्वास्त पर अदा किया गया था, क्योंकि समझा जा रहा है कि चीन पर रूस का असर और रसूख ज्यादा है और भारत ने हमेशा से इस असर और रसूख से फायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन हालिया दिनों में देखा गया कि अमेरिका और भारत के दरमियान सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बनने की वजह से रूस अब पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं, जबकि इस तनाजर में कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि रूस ने बराह रास्त सफारती सतह पर भारत को ये कहना शुरू कर दिया है कि वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाज़ाब्ता फैसला करें कि उन्होंने रूस इतिहाद में रहना है या फिर अमेरिका इतिहाद में रहना है, क्योंकि रूस का ये कहना है कि उन्हें कतन काबिले कबूल नहीं कि भारत के अमेरिका के साथ भी तलकात हों और फिर रूस के साथ भी तलकात बहाल रह सकें। खातीन हजरात, इस सूरत हाल में देखा जाए तो दुनिया में रियासतों के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। असर रसूख रखने वाली रियासतें हमेशा कमजोर मईशत वाली रियासतों को अपने ब्लॉक्स में शामिल करके खित्ते में अपना असर रसूख कायम करना चाहती हैं। इसी तनाजर में देखा गया है कि रूस और पाकिस्तान के तलकात में मजीद मजबूती आ रही है, जबकि उधर अमरीका और भारत के तलकात में भी मजीद तरक्की देखने को मिली है।